मेरी मदर है। वो उस दिन जो मैं जब आ रहा था ना, तब मैंने आपकी गाड़ी देखी थी, आप दोनों देखे। मैं गांधी के ग्राउंड आते बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, It's India versus Pakistan and it's toss time. In the blue corner, ready to punch. We'll spin the coin. Hey. What's it, David? Yes, there's who does because our fast bowlers, we are going with the four fast bowlers. In the group, it makes this contest very, very important, even for you. Yeah, absolutely. I think every game is important. You know, we can't come off just like that. You know, you're playing the World Cup. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। आज मैं लेके आ गई हूँ व्लॉग, और आप लोगों ने वैसे थंबनेल वो सब देख के पता तो कर ही लिया होगा, पर मैं पहुँच गई हूँ पीवीआर और मैंने टिकट कलेक्ट कर ली। और मेरे को टिकट किसने दिए, तो हीरेन भैया और अंकी दीदी ने। और अभी हम टिकट चेक करवा के अभी अंदर चले जाएँगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अंकी दीदी वो सब बोल रहे थे कि आप अंदर जाके बैठो ताकि आपको थोड़ी सी ठंडक लगे। और अंदर जाके देखा तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग आए थे जो हीरेन भैया और अंकी दीदी को स्पेशली मिलने के लिए आए थे। वैसे मैं भी स्पेशली उन लोगों को मिलने के लिए गई थी, और उन लोगों ने गिव अवे में साथ साथ में हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट भी दी थी। तो आप लोग, अंकी दीदी बोल रही हेलो एवरीवन, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो बहुत मज़ेदार से ब्लॉग बनाते हो। और हीरेन भैया बोल रहे हैं कि मेरी तरफ से कमेंट कर देना। पर सच में गाइस,
एक बात बताऊँ, आज मैंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उन लोगों को मिलने के लिए, तो मैंने नया माइक भी ख़रीदा स्पेशली उन लोगों को मिलने जा रही थी, तो प्रॉपर अच्छा सा ब्लॉग बने इसीलिए। और मैंने वो गलती की कि माइक तो लगा दिया पर चालू ही नहीं किया, तो पूरा का पूरा मेरा जो व्लॉग है वो बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल ही माइक लगा दिया पर ऑन नहीं किया, तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई, और सच में मैं इतनी शेड हो गई जब मैंने घर आके देखा कि गाइस मैंने तो माइक ही नहीं चालू किया है। तो फिर तो दो दिन मैंने वेट किया, अभी क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग शूट किया है तो वॉइस ओवर करके कर देते हैं, वरना इसका क्या होगा। इसके लिए अभी मैं दो दिन का वेट करने के बाद अभी मैं डाल रही हूँ व्लॉग। तो देखो यहाँ पे सभी लोग ऐसे बैनर लेके फ्लैग लेके फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। ये भैया थे वाइट शर्ट वाले, वो स्टार स्पोर्ट्स से आए थे, उनके साथ भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए हुए थे, सब लोगों को मिल के बहुत ही अच्छा लगा। कोई ब्लॉगर था, कोई फूड ब्लॉगर था, बहुत अलग अलग टाइप के ब्लॉगर वो सब लोग आए थे। देखो मैंने भी एक फ्लैग और सिक्स वाला ख़त्म हो गया था, तो फोर वाला ले लिया है, और बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करने वाले। और सच बताऊँ तो हिरेन भैया और अंकित दीदी को मिलके इतना 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 अच्छा लगा कि मैं कोई मतलब मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने डाउन टू अर्थ थे। ओ माय गॉड, मैंने अभी तक ऐसे इन्फ्लुएंसर कहीं नहीं देखे जो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। बहुत ही प्यारा, और वो लोग साथ साथ में एक प्लान भी करके आए थे कि जब भी इंटरवल होगा तभी सब हम सब साथ में एक छोटी मोटी गेम खेलेंगे। और देखो बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, और वो लोग भी कुछ गिव अवे का सामान कुछ भूल गए थे, तो वो लेने के लिए जो गेम खेलनी थी उसका सामान भूल गए थे, तो वो लोग घर चले गए थे वो लेने के लिए। फिर वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। मेरे साथ मैंने बहुत सारी उन लोगों से बातें की, और उन्होंने भी सभी के साथ इतनी प्यार से इतने अच्छे से बातें की है कि मैं कोई बात ही नहीं बता सकती सच बताऊँ तो। पर क्या है, वॉइस ही नहीं आ रहा सच में। क्रिकेट के रिलेटेड बहुत सारी हम लोगों को थोड़ी बहुत यूट्यूब के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स भी मिली है वहाँ से, कि वो लोग कैसे करते हैं सब लोग सब कुछ, वो बहुत ही अच्छे से समझाए। और हमारे चैनल को भी इतना सपोर्ट किया है वो लोग, हर एक जो जो इन्फ्लुएंसर थे सबकी चैनल को देख के बोल रहे थे कि उनकी चैनल को सब्सक्राइब करना सपोर्ट करना। देखो यहाँ पर भी इस भैया को भी सपोर्ट कर रहे थे, फिर बाद में पूछ रहे थे क्रिकेट के रिलेटेड, तो मैंने वीडियो ऑन कर दिया क्रिकेट के रिलेटेड आप लोगों को दिखाने के लिए। पर ओ माय गॉड, मेरा माइक ही बंद था। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है आज, कि मैं सब पहली बार उन लोगों से मिलने गई और मेरे से माइक बंद हो मतलब चालू ही नहीं। मैं इतनी एक्साइटमेंट में मैं नया माइक लेके आया और वो चालू करना ही भूल गई। देखो ये भैया भी बोल रहे थे कि इनकी चैनल बहुत ही अच्छी है, सब्सक्राइब कर लेना, स्किन के रिलेटेड हेयर के रिलेटेड बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है, तो मैंने तो कर ही लिए तो आप लोग भी कर लेना। तो थैंक यू सो मच भैया इतना सारा प्यार देने के लिए। फिर देखो मैं तो है ना हिरेन भैया और अंकित दीदी को देखने में से मतलब मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी। मेरे को ऐसा लगता था कि उनके साथ बातें ही करती रहूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती थी उन लोगों से। सच बताओ आप लोग ऐसे वीडियो में ऐसे मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे, पर बहुत ही अच्छे वो लोग। और देखो फिर हम चले अंदर स्क्रीन में, मैच का टाइम हो गया था तो, और उन लोगों ने इतना बारीकी से टिकट का ध्यान रखा था कि मैं कोई बात नहीं बता सकती। अंकित दीदी ने उनके चार लोग जो टीम मेंबर थे उनके पास में ही मेरी टिकट दे दी थी, क्योंकि मैं अकेली गई थी, तो वो लोग ऐसे भी सब कुछ सोच सोच के सब कुछ अच्छे से इतनी अच्छे से टिकट मैनेज की थी। जो कपल में थे उनको कपल में साथ में टिकट दी थी, जो सिंगल में थे उनको सिंगल में ऐसे टिकट दी थी, और मेरे बाजू में भी एक भैया और उनकी मदर थी ऐसे टाइप की टिकट दी थी, तो बहुत ही अच्छा मैनेज किया था। और आज तक मैंने इतना अच्छा मैनेजेबल पर्सन और इतना अच्छा नेचर वाला पर्सन कभी नहीं देखा। मेरे को ऐसा लग रहा है उनकी चैनल इसीलिए इतनी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि उन दोनों का नेचर ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मैं तो उन लोगों का फ़ोटो वीडियो लेने में हट ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को जब जब मौका मिलता था मैं उन लोगों का वीडियो शूट कर लेती थी। फिर अभी यहाँ पे हमारी मैच चालू हो गई, फिर मैच में भी बहुत धमाल की सब लोगों ने। ये वैसे PVR एक्रोपोलिस है, वहाँ पे हम लोग गए थे, सब लोग वहाँ पे साथ में मिले थे, और
मैच देखने में तो सब लोग इतना धमाल कर रहे थे, कोई इतनी ज़्यादा बूम लगा रहा था, बहुत मज़ा आया था। पर मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मेरा वीडियो में वॉइस नहीं आ रहा है। मैं इतने टाइम से ब्लॉग कर रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ, पर मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे से वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। अभी यहाँ पे नेशनल एथम्स चल रही है, तो सब लोग खड़े होके हम नेशनल एथम्स का गान करेंगे, इसके बाद फिर हमारी क्रिकेट मैच स्टार्ट होएगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखती है। और वैसे मैं क्रिकेट देखने के लिए थिएटर में मेरी लाइफ में मैं पहली बार गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत 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 ही अच्छा रहा था। और हाँ गाइज, आप लोग कभी थिएटर में क्रिकेट देखने के लिए गए हो? मेरे को तो एक गिव अवे में टिकट मिली थी, इसलिए मैं गई थी। देखो, हिरेन भैया और अंकित दीदी ने मेरे को गिव अवे में टिकट दी थी, वैसे दो दी थी, पर पारस को कुछ काम की वजह से, पारस आउट ऑफ स्टेशन थे इसलिए पारस नहीं आ पाए थे, तो मैं अकेली ही चली गई थी, क्योंकि मेरे को उन लोगों से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट थी। देखो, क्रिकेट जैसे चालू हो गई, इतनी चीज़ बूम लगने लगी ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर मैंने भी बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही एंजॉय किया। फिर इसके बाद में वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान थी अमेरिका में, यूएसए में, तो इसमें वहाँ पे भी बारिश आ गई और हमारे अहमदाबाद में भी बारिश आ गई, तो मैं तो पूरी क्रिकेट नहीं देख पाई थी, क्योंकि क्या है कि मैं पारस के साथ नहीं गई थी, मैं अकेली गई थी और पीवीआर एक्रोपोलिस गई थी, तो इतनी दूर में अकेली लेट नाइट तक नहीं आ सकती हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ी देर बैठी, क्योंकि स्पेशली वैसे मैं हिरेन भैया और अंकित दीदी को मिलने के लिए गई थी। क्रिकेट तो मैं वैसे घर पर ही भी देख सकती थी, और वो लोग को मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर घर आ गए और फिर आते आते टेरानोवा से पिज़्ज़ा भी लेके आ गए, क्योंकि क्या है कि वहाँ से मैं कुछ खा के नहीं आई थी, क्योंकि बाहर निकली तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं तक्ष को घर पे छोड़ के गई थी मम्मी के पास, तो मैंने सोचा भगते हैं फिर घर पे, फिर कुछ करेंगे। फिर तक्ष को लिया, इसके बाद में मैंने टेरानोवा से एक पिज़्ज़ा लिया, मैंने सोचा अभी घर जाके खा लूँगी, तभी तो 11 बज गए थे। और अच्छा हुआ मैं घर पे जल्दी आ गई, क्योंकि फिर बारिश भी ज़्यादा हो रही थी, और बारिश तो हो रही थी पर साथ साथ में क्रिकेट में भी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे भी खेद हुआ था। तो इसकी वजह से क्रिकेट ख़त्म होने में होते होते एक डेढ़ बज गया था, एक डेढ़ बजे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर निकले थे, क्योंकि इंडिया हमारा जीत गया था, तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 6 रन में हमारा इंडिया जीत गया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हमारा इंडिया जीतता है। और मैं यहाँ पे बहुत कुछ बता रही थी मेरे मतलब ये वीडियो के रिलेटेड, पर क्या है मेरे को अभी घर आके भी नहीं पता था कि मैंने माइक ही नहीं ऑन किया, क्योंकि वहाँ जाते समय लगाया था माइक, फिर मैंने निकाला ही नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैंने माइक लगा लिया है। पर सच बताऊँ तो फिर दूसरे दिन मैंने जो वीडियो शूट किया है, इस माइक की क्वालिटी बहुत ही गंदी है, आप लोग कभी इसको नहीं खरीदना। मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी इसका वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग कभी इसको नहीं खरीदना, मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर का भी बताऊंगी। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो मेरा कैसा लग रहा है वो मेरे को बताना, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर से कर देना आपका एक्सपीरियंस के। और हाँ, आप लोग इनमें से वीडियो देख रहे हो, जो लोग जो जो लोग अंकित दीदी और हिरेन भैया को पहचानती हो, और उनका नेचर आपको कैसा लग रहा है, और आप लोग भी मिले हो कि नहीं वो बताना, और नहीं मिले हो तो प्लीज़ ज़रूर से एक बार मिलना। वो लोग बहुत ही अच्छे, इतने डाउन टू अर्थ है कि ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि हम हर रोज़ मिलते, हमारी फैमिली जैसे, हमारे फ्रेंड जैसे लगते हैं। वैसे हम उनके ब्लॉग हर रोज़ देखते हैं, वीडियो हर रोज़ देखते हैं, इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि हम लोग उनको हर रोज़ मिले हुए हैं। तो देखो, रात के 11 बज गए, मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं घर पर पहुँच गई हूँ, अभी मैं खाऊंगी पिज़्ज़ा और इसके बाद में हम सो जाएंगे। वैसे पारस है नहीं, तो मैं और तक्ष दोनों ही हैं, तक्ष खेल रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए ले लूं, मैं बता दूं मैं वहां पे क्या क्या करके आई हूं। पर अभी 2 दिन हो गए हैं तो मैं भूल गई हूं कि मैं यहां पे क्या बोल रही हूं, वैसे एग्जैक्टली नहीं पता है। वैसे मैं वो ही बता रही हूं कि वहां पे मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिलते, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मैं उनकी तारीफ़ करने में से फ्री नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छे थे वो लोग। इसके लिए तो बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। और ये रहा मेरा पिज़्ज़ा, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, फिर पियेंगे कोक, फिर सो जाएंगे, फिर मिलेंगे नए कंटेंट में।